ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। पिछले एक हफ्ते से भ्रष्टाचार को लेकर मामला सुर्खियों में है। 70 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और जैसे ही कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद भ्रष्टाचार करने वालों की सामत सी आ गई है। 70 नेताओं के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। कई बड़े नेताओं का नाम है जो एक एक करके खुलते ही जा रहा है। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 1000 करोड़ घोटाले के मामले में एनसीपी के अजीत पवार समेत 70 बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पार्टी के मुखिया शरद पवार पर भी मामला दर्ज हो सकता है, जिससे अब ये कह सकते हैं एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं की नाव मझधार में है। इन नेताओं पर 2007 से 2011 के बीच 1000 करोड़ की घोटाले की नुकसान का आरोप है। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एक न्यायिक जांच समिति ने इस मामले में पवार और अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। एक जांच में यह भी पता चला था चीनी मिल, कपास मिल और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अंधाधुन तरीके से कर्ज बांटे गए थे, जिन्हें बाद में लौटाया नहीं गया था। अब मामला दर्ज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं और इस केस में दोषी पाए जाने पर बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। उनमें से बैंक के कुछ कर्मचारी भी हैं, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।